हे एवरी वन वेलकम टू योर एजुकेटर हम लोग कर रहे हैं एनसीआरटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सीरीज और इसमें आज का चैप्टर है करेंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम लोग करेंगे ट्वेंटी क्वेश्चन और उसके जरिए पूरे चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिविजन करेंगे थॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे हर एक टॉपिक इसका यहाँ पे कवर हो जाएगा और उसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे हम लोग तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से देखिए पहला जो सवाल दिया है इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दिया है ये क्वेश्चन में कि इस्टीमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन एन

दैट इज़ एट पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी एट मीटर क्यू अब देखिए आपको पता होगा फॉर्मूला कि जो करंट कैलकुलेट करते हैं तो करंट का फॉर्मूला कितना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है करंट आई इजिक्वल्स टू एन ई ए भी डी होता है एन ई ए भी डी और हमें निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड भी डी तो इसका वैल्यू हो जाएगा करेंट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एन ई ए हो जाएगा अब क्या करना है आपको सिंपली वैल्यूज यहाँ पे सब्जीट्यूट करना है करेंट आई का वैल्यू कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव हो जाएगा डिवाइडेड बाई एन इसका वैल्यू है एट पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी एट और साथ ही साथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन और जो एरिया दिया है ये कितना दिया है टेन टू दावर माइनस सेवन दिया है डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो आ जाएगा वन पॉइंट वन जीरो टू इन टेन टू द पावर माइनस थ्री माइनस थ्री को मिली लिखते हुए वन पॉइंट वन जीरो टू आ जाएगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगा मिली मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ठीक है तो वन पॉइंट वन जीरो टू सो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें दिख रहा है तो ऑप्शन टू इसका सही जवाब हो जाएगा <coughs> अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट सवाल है कि एवरेज एवरेज कॉलिजन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन अंडर द सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस इज फाउंड टू बी दिस तो एवरेज टाइम होता है इसे हम लोग कहते हैं रिलेक्सेशन टाइम कहते हैं और इसका वैल्यू कितना दिया है टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन सेकेंड आपका गिवन है मोबिलिटी का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे देन हाउ डू यू कैलकुलेट दिस देखिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है इसके लिए अगर ड्रिफ्ट स्पीड का बात करते हैं तो कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास इंटू रिलैक्सेशन टाइम अब यहाँ पे मोबिलिटी की बात करेंगे तो ये हो जाता है ड्रिफ्ट स्पीड हो जाता है डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ई ई बाई एम हो जाएगा इंटू कितना हो गया टाउ डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ बाई कितना हो जाएगा मास सेम हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 1.6 पॉइंट कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस नाइनटीन एंड टाउ की बात करेंगे रिलैक्सेशन टाइम जो इसमें ऑलरेडी लिखा है 10 टू द पावर माइनस फिफ्टीन लिखा हुआ है एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है तो कितना लिखेंगे 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी हो जाएगा सो इफ यू सॉल्व इट तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 1.74 हो जाएगा इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर आ जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे तो

तो ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी हो जाएगी बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन दिया है मोबिलिटी जो होता है ना ये कैसा होता है ये होता है ड्रिफ्ट स्पीड का जो वैल्यू होता है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड दिव, करते हैं तो मिल जाता है मोबिलिटी का वैल्यू तो ड्रिफ्ट स्पीड जो दिया है हमारा ये कितना है तो ये वैल्यू हो जाता है 7.5 है इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन और इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 2.5 पॉइंट फाइव टेन टू द पावर फाइव आ जाता है तो ये देखेंगे तो ऑप्शन नंबर टू इस वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करता है तो ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा मतलब ये बेसिक पॉइंट आपको याद होना चाहिए मोबिलिटी और एक और बात याद रखिएगा मोबिलिटी का जो वैल्यू होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो मोबिलिटी होता है ना ये इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये डिपेंड नहीं करता है मोबिलिटी का वैल्यू भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड से जब ड्रिफ्ट स्पीड को डिवाइड करते हैं तब आता है लेकिन ये वैल्यू कैसा होता है इंडिपेंडेंट होता है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देर कंडक्टिविटी नाइक्रोम कॉपर जर्मेनियम एंड सिल्वर देखिए यहां भी क्या है कि कॉपर का बात करते हैं ना कॉपर की बात करते हैं और कॉपर के साथ साथ क्या है सिल्वर दिया है ये दोनों कैसा होता है ये दोनों मेरा मेटल दिया होता है और मेटल के साथ क्या दिक्कत है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से ना इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा घट जाएगा साथ ही साथ जो सिल्वर होता है ना ये बेस्ट कंडक्टर होता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए बात करें तो इससे अच्छा कोई कंडक्ट करता ही नहीं है तो सबसे बेहतरीन कंडक्टर के तौर पर अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएगा सबसे बेहतरीन सिल्वर होता है वहीं पे जो बात करते हैं दूसरे नंबर पे आता है जो यहां पे दिया हुआ है इस कंडीशन में कि अरेंज द मटेरियल इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी थे स्टैंडर्ड डेटा है ये इसमें आप कुछ ऐसा लॉजिक नहीं लगाना आपको दिमाग में होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं एक बात तो याद होता है हर किसी को कि सिल्वर बेस्ट होता है तो मतलब इस पूरे ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा यहाँ पहला में सिलिकॉन दिया नहीं हो जाएगा चौथा नहीं हो जाएगा अब ये दो पॉइंट दिया इसमें एलिमिनेट करना है तो इसमें देखेंगे ना आप तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक आप लगा सकते हो क्या लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा सिल्वर का हो गया सिल्वर के बाद जो नेक्स्ट नंबर पर होगा कौन सा होगा कॉपर होगा ना सिल्वर के बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा कॉपर हो जाएगा इसके बाद क्या हो जाएगा जर्मीनियम हो जाएगा यहां पे कॉपर नहीं है इसके बाद क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा और आखिरी में क्या हो जाएगा नाइक्रोम हो जाएगा सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा मतलब इस बेसिस पे इसका जो ऑप्शन है एलिमिनेट कर लीजिएगा दो ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और मेटल का जो होगा जनरली कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होगा कैसा होगा सेमी से ज़्यादा ही होगा सिल्वर के बाद कॉपर हो जाएगा तो बेसिक आइडिया का याद है छोटा सा पॉइंट अगर याद है और मेटल का सेमी से ज़्यादा होता है ये पॉइंट अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर लेंगे अगला सवाल है कि रेसिस्टिविटी ऑफ अलवा मैगनीन देखिए ये जो अलवा मैगनीन है ना ये इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के वेरिएशन से इसमें कुछ ज़्यादा असर नहीं हो तो ये जो वेरिएशन होता है ना इसमें ज़्यादा होता नहीं होता है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर वेरी करने से ये जो मैगनीन है इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है सो द वैल्यू इज़ नियरली इंडिपेंडेंट इसका वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं करता है अगला सवाल दिया हुआ है कि इसमें करेक्ट जो ग्राफ है ये कौन सा हो जाएगा करेक्ट ग्राफ इसमें क्या होगा कौन सा हो जाएगा कॉपर का बताना है ग्राफ रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ऑफ़ कॉपर इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ सोन बिलो अब इसमें क्या है स्टैंडर्ड डेटा है एनसीईआरटी का है कि जो रेसिस्टिविटी वर्सेस जो टेम्परेचर का ग्राफ होता है तो पहली बात तो यह क्या है कॉपर दिया हुआ है पहली बात क्या है कॉपर दिया है तो रेसिस्टिविटी क्या होता है कॉपर मेटल हो गया तो मेटल का अल्फा क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है एक बात और याद कर लीजिए कि जो आपका सेमी कंडक्टर होता है जैसे सिल्कन हो गया जर्मीनियम हो गया ये सब सेमी कंडक्टर होता है तो इसका अल्फा कैसा होता है इसका अल्फा नेगेटिव हो जाता है तो रेसिस्टिविटी होता है अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो मेटल का जो रेसिस्टिविटी होता है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है वहीं पर टेम्परेचर बढ़ाने से जो सेमी कंडक्टर होता है इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है इसका रेसिस्टिविटी घटता है समझ गए उसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होता है मेटल का बढ़ता है

अगला सवाल दिया है कि रिसिस्टा मार्क विद द रिंग्स कलर्ड पहला क्या दिया है ब्राउन फर्स्ट कलर क्या दिया है ब्राउन दिया है सेकेंड कलर क्या दिया है ब्लैक दिया है सेकेंड कलर क्या दिया है ब्लैक दिया है थर्ड कलर क्या दिया है तो ये दिया है ग्रीन दिया हुआ है और फोर्थ कलर की बात करेंगे तो गोल्ड हो गया देखिए गोल्ड जो होता है ना ये आखिरी वाला जो कलर होता है ये एरर देता है और गोल्ड के लिए पाँच परसेंट होता है आपने पढ़ा होगा सिल्वर के लिए दस नो कलर के लिए बीस परसेंट होता है बी बी रॉय से सीरीज स्टार्ट होता है ये सीरीज कहाँ से होता है बी ब्लैक होता है ब्राउन होता है तो ब्राउन के लिए कोड कितना हो जाता है वन हो गया और ब्लैक के लिए कितना हो जाता है जीरो हो जाता है बी बी आर ओ वाई जी ग्रेट ब्रिटेन तो जी हो गया यहाँ पे तो इसके लिए कितना हो जाएगा इसके लिए सिक्स हो जाता है तो कलर कोडिंग होता है इसके हिसाब से कहता है कि पहला जो दो कलर होता है ये फर्स्ट दो डिजिट को बताता है थर्ड जो कलर होता है वो टेन की पावर को बताता है टेन का मल्टीप्लायर है इसको बताते हैं इसका वैल्यू फाइव हो जाएगा लिखेंगे ना बी बी आर ओ वाई जी एक दो तीन चार पाँच छः तो इसका डिजिट कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा वैल्यू टेन टू दी पावर फाइव हो जाएगा और प्लस माइनस में लिखेंगे जो फोर्थ कलर होता है ये एरर को डिनोट करता है तो एरर का मतलब क्या होगा प्लस माइनस में लिखना है तो वैल्यू कितना होगा टेन की पावर सिक्स हो जाएगा और प्लस माइनस में लिखेंगे तो फाइव परसेंट हो जाएगा और इतना ओम इसका वैल्यू हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर सो टेन टू दी पावर सिक्स हो गया प्लस माइनस फाइव परसेंट तो ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन मेटल द नंबर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ये जो होता है ना इन करेक्ट की बात कर रही है कि करेक्ट की बात करिए करेक्ट ढूंढना है यहाँ पे ये बात याद रखना है तो पहले ऑल ऑफ डिज दिया तो सारे ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है विद द इंक्रीज इन इन रिलैक्सेशन टाइम मेटल ऑब्वियस बात है कि आप बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रिक्वेंट कोलिजन हो जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है यहां से घट जाता है एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है फॉर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर नंबर डेंसिटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर यस इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होता है तो ये भी सही हो गया

तो हमारे पास दो टेम्परेचर दिया है तो एक का रजिस्टेंस मान लिया आर टू दूसरे का मान लिया आर वन ये हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा वन प्लस अल्फा और ये हो गया डेल्टा टी जो निकालना है और ओरिजिनल दिया है थर्टी डिग्री सेल्सियस पे तो ये हो जाएगा आर नॉट हो जाएगा और वन प्लस अल्फा इंटू कितना हो जाएगा थर्टी हो जाएगा इससे इसको कैंसिल कर देंगे आर टू बाद में जो इसका टेम्परेचर जो इसका वैल्यू हो जा रहा है रजिस्टेंस का वो कितना हो जा रहा है एटी फाइव पॉइंट एट ओम हो जा रहा है और ओरिजिनल कितना दिया है सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री दिया हुआ इज इक्वल्स टू वन प्लस अल्फा जो दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है 1.7 है इंटू टेन टू द पावर कितना है माइनस फोर दिया है और डेल्टा टी है यहाँ पे निकालना है सेकेंड वाले केस में जो हो जा रहा है वैल्यू हमारा और जो फर्स्ट वाला केस दिया है वन प्लस इसका वैल्यू कितना पुट करेंगे वन पॉइंट कितना हो जाएगा टेन टू द पावर माइनस और टेम्परेचर कितना है थर्टी है तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे थर्टी सो इफ़ यू डू द कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन करने पर कितना हो जाता है डेल्टा टी की जब बात करेंगे तो डेल्टा टी कैलकुलेशन करने पर यहाँ पे कितना हो जाता है एट पॉइंट हो जाता है वन हो जाता है है. तो यहाँ पे देखेंगे आसपास में जो ऑप्शन दिया हो कौन सा 850 दिया है कैलकुलेशन में थोड़ा आगे पीछे अब डेटा दिया हो उसी हिसाब से आया है तो ये कैलकुलेट करने पे 850 आ जाएगा ये नियर बाई में हो जाएगा तो यही या क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नेक्स्ट है कि इन करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है ई एम एफ ऑफ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन ओपन सर्किट ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई भी सेल होता है इसमें कोई भी करंट जब विड्रॉ नहीं होता है ये एक सेल दिया हुआ इस e है इस सेल का ई एम एफ ई है इंटरनल रेजिस्टेंस आर है ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल के बीच में इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं अब जब यहाँ पे कोई भी करंट यहाँ पे बाहर में विड्रॉ नहीं होता है तो उस वक्त में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है हो, ई एम के बराबर होता है तो ये बात तो सही दिया है लेकिन हमें ढूंढना क्या है हमें ढूंढना है इन स्टेटमेंट यहाँ पर ढूंढना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल इज मच हायर देन द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल कैन बी जीरो ये शॉर्ट सर्किट करते हैं तो कितना हो जाता है जीरो हो जाता है वन करंट पासिस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन साइड दिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ई एम एफ नहीं जब चार्जिंग का केस होता है पॉजिटिव वाले से करंट कब इंटर करेगा यहाँ से करंट आई तब इंटर करता है जब ये क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है और चार्जिंग के केस में कितना हो जाता है तो चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी का जो वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है ई प्लस आई आर होता है ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी का जो वैल्यू दिया है दिस इज ग्रेटर देन ई एम एफ और जो क्वेश्चन दिया है इसमें कैसा बोला लेस देन इट्स ई एम एफ इसका मतलब ऑप्शन फोर कैसा है गलत है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इसका फोर्थ नंबर हो जाएगा क्योंकि ये जो दिया है वो गलत दिया है दस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया ग्यारहवें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं वेन अ करेंट वेन अ करेंट ऑफ टू एम्पियर फ्लोज इन अ बैटरी फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 12 वोल्ट इफ करंट ऑफ 3 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन डायरेक्शन प्रोड्यूस पोटेंशियल वोल्ट ऑफ बैटरी देखो इसमें क्या होता है कि दो केस होता है बैटरी में एक होता है, जब इसमें बाहर निकल रहा होता है और एक होता है जब करेंट क्या हो जाता है इसमें अंदर इंटर कर रहा होता है ठीक है अब ध्यान दीजिएगा कि जब बाहर निकलता है तो डिस्चार्जिंग है तो इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी वैल्यू कितना हो जाता है ई माइनस आई हो जाता है और जब करंट अंदर जाता है तो भी का वैल्यू कितना हो जाता है ये वैल्यू होता है बी का वैल्यू होता है ई प्लस आई आर हो जाता है समझ में आ रही बात ये हमारा छोटा सा पॉइंट है जिसे समझना है अब ये क्वेश्चन में दिया है कि जब बाहर निकलना है करेंट तो कितना दिया बारह वोल्ट दिया है और ई एम एफ ई दिया है और करंट का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे दो एम दिया है तो टू आर हो जाएगा लेट से इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा और दूसरे केस में जब ये करंट इसका चार्जिंग है तो फिफ्टीन हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा ई हो जाएगा और प्लस में थ्री आर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा तो अब जब इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा माइनस ऑप्शन नंबर वन कर देंगे तो इसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सॉल्व कर लो e प्लस थ्री आर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा एंड e माइनस टू आर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस खत्म थ्री और टू कितना हो जाएगा फाइव और पंद्रह में से बारह घटा देंगे तो कितना हो जाएगा तीन ना हो जाएगा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री बाई फाइव हो जाएगा इसका वैल्यू अब हमें क्या चाहिए ई एम एफ का वैल्यू तो कोई एक इक्वेशन उठा रहा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इक्वेशन नंबर वन उठा लिया तो ट्वेल्व इजिकल्स टू ई माइनस कितना हो जाएगा टू इंटू थ्री बाई फाइव हो जाएगा ना तो ट्वेल्व इजिकल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर देते हैं आप तो ई e हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स बाई फाइव मतलब कितना हो जाएगा वन पॉइंट टू ना हो जाएगा ईएमएफ ई एम एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा प्लस में वन पॉइंट टू मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा थर्टीन पॉइंट टू वोल्ट इसका वैल्यू हो जाएगा कितना वैल्यू है थर्टीन पॉइंट टू क्लियर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Next question दिया दिया है। 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 बहुत ही बेहतरीन का वैल्यू ऑफ ई इक्वेलेंट बाई आर इक्वेलेंट देखेंगे ध्यान से जब सेल को पैरल में आप कनेक्ट करते हैं ना तो उस केस में इक्वेलेंट दो के केस में जब आप निकालते हो तो तरीका होता है निकालने का देखो E इक्विवेलेंट इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है डिवाइडेड बाई कितना होता है आर इक्विवेलेंट ये कितना हो जाता है ई वन डिवाइडेड बाई होता है आर वन में हो जाता है ई टू डिड बाई कितना दो से आठ तो कितना चार दिया? दिया, दो दिया? दिया 2, तो 2 से छ्यू कितना फोर प्लस तीन तो ऐड तो कर देंगे तो कितना हो जाएगा सेवन और ई बाई आर होता है करंट को डिनोट करेगा तो यूनिट इसका एम्पियर हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा सेवन एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चाहिए था कनेक्टेड टू द राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज इजेड पॉइंट देखिए इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है ये बात को समझना पड़ेगा कि मीटर ब्रिज होता है मीटर ब्रिज में क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे आप तो दो गैप होता है इसके बीच में जो भी रजिस्टेंस होता है इसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे ऐसा दिया होता है ये एक वायर होता है और इस जगह पे दिया हुआ पॉइंट ये और यहाँ पे ये पॉइंट हो गया ठीक है जो भी एक सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं और इस जगह से जॉकी लगाते हैं जिसको इसके ऊपर में स्लाइड किया जाता है जैसे मान लीजिए एक्स हो गया और ये कितना हो गया इसका वैल्यू वाई हो गया बोला कि राइट right गैप में दिया है ना मेटल कंडक्टर में उसको हीट कर देते हैं तो यहाँ पे जब राइट right वाले का टेम्परेचर आप क्या कर देते हो बढ़ा देते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा वाई होगा इसका वैल्यू बढ़ जाएगा और रजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका लेंथ हो जाएगा और लेंथ किधर शिफ्ट करेगा लेंथ ज्यादा होना चाहिए ना बिकॉज रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल किसका होता है लेंथ का तो हीट करेंगे तो वाई बढ़ेगा तो वाई बढ़ा तो कोरोस्पॉन्डिंग ये जो लेंथ होगा बढ़ेगा ना मतलब किधर शिफ्ट करेगा बढ़ने के लिए तो शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट ना हो जाएगा क्योंकि राइट में तो एंड तक कवर करता ही है तो किधर हो जाएगा शिफ्ट वर्ड लेफ्ट हो जाएगा ठीक है और जो मीटर ब्रिज होता है इसका पूरा पूरा लेंथ का कितना होता है वैल्यू तो ये हो जाता है हंड्रेड सेंटीमीटर यानी कि एक मीटर हो जाता है तो शिफ्ट वर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है बोला है कि रेजिस्टेंस पी क्यू एस एन पी क्यू एस एन आर अरेन्ज इन क्लॉक वाइज साइकिल ऑर्डर कैसा ऑर्डर किया है क्लॉकवाइज साइक्लिक ऑर्डर है वीट स्टोन ब्रिज बनाना है और इसमें चलना है हमको कैसा तो हमें चलना है क्लॉक वाइज ऑर्डर में चलना है ठीक है तो ये दिया P दिया उसके बाद क्या दिया Q दिया यहां पे S दिया और यहां पे क्या दिया है R दिया वैसा लिखा हुआ है पूरा का पूरा अरेंजमेंट दिया है अब बोला है क्लॉकवाइज ऑर्डर वीट स्टोन ब्रिज में दिया देना रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाई पी प्लस क्यू मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा एंड आर प्लस एस जो कंज्यूम करेगा इसका क्या रेशियो होगा बताना है तो पहली बात की वी टू है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे पी हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई एस हो जाएगा इसका वैल्यू क्या करो ना के एज्यूम कर लो तो पी का वैल्यू कितना करेंगे के इन क्यू करेंगे और आर जो दिया है इसका वैल्यू क्या कर देंगे एस इंटू के कर देंगे ये दो पॉइंट हो गया पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया अब क्या करना है कि जो पावर होता है पावर पी का वैल्यू कितना होता है वी एस स्क्वायर बाई आर होता है अब ये जो टर्मिनल है और ये टर्मिनल है इसके क्रॉस जो वोल्टेज भी कब है लोग है, तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा इट इज़ सेम इन बोथ द केसेस जब ये सेम हो जाएगा तो पावर का जब रेशियो यहाँ पे निकालना है हमें पावर मान लेते हैं ऊपर वाले में वन है नीचे वाले में टू है तो वोल्टेज तो यही हो जाएगा और ऊपर वाला में जो रजिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है पी प्लस दिया है और नीचे वाले में भी स्क्वायर हो जाएगा नीचे में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस एस ना हो जाएगा तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो सॉल्व हो गया कितना आ जाएगा वैल्यू ये वैल्यू हो, हो जाता है आर प्लस एस हो जाता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है पी प्लस क्यू हो जाता है करेक्ट है अब देखेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जरा P और जो क्यू है यहाँ पे जो वैल्यू निकाला उसको पुट करेंगे तो जो यहाँ पे इसको अरेंज करना है तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे हम इसको सब्टिट्यूट करना चाहते हैं R और s दोनों को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो ऊपर में दिया R का वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा तो आर का वैल्यू एस इन के दिया है ना आर का वैल्यू एस इन के दिया है ठीक है और प्लस में कितना हो जाएगा एस हो जाएगा और नीचे में पी का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू इन के दिया है और प्लस में कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा अब ऊपर से एस कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा के प्लस वन हो जाएगा और नीचे से क्या करेंगे क्यू कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा के प्लस वन तो कैंसिल हो गया और वैल्यू कितना हो जाएगा एस बाई क्यू ना आ गया अब एस बाई क्यू आ गया तो पी बाई क्यू है पी बाई क्यू जो होता है इसका वैल्यू कितना दिया है आर बाई एस दिया है और हमें चाहिए कितना एस बाई क्यू तो यहाँ कर दो p बाई आर कर दो इक्व टू क्यू बाई एस ना हो जाएगा तो उल्टा कर देंगे तो r बाई पी बराबर कितना हो जाएगा s बाई क्यू ना हो जाएगा सो द रेशियो ऑफ पावर p1 वन बाई पी का जो वैल्यू आया ये वैल्यू कितना था ये वैल्यू आ गया एस बाई क्यू और एस बाई क्यू इसका वैल्यू कितना है आर बाई पी दिया हुआ है तो आंसर कितना हो जाएगा इसके रेशियो आर रेशियो पी हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एनसीईआरटी टाइप की बात करें या फिर एनसीईआरटी स्टाइल की बात करें तो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था यह अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें बोला है कि बैटरी है जिसका ई एम ए फाइव बोल्ट दिया है एंड नेग्लेजेबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्ट ट्वेल्व रजिस्टर्ड हर एक का रजिस्टेंस कितना दिया है वन ओम दिया है हर एक जो सीगमेंट दिया है इसका रजिस्टेंस कितना दिया है वन ओम दिया है इतना दिया हुआ है रजिस्टेंस नेटवर्क ईच ऑफ रजिस्टेंस वन ओम देन करंट अलॉन्ग वन ऑफ द वायर अब देखो ये जो दिया है ना यहाँ पे गया है पॉइंट जो जा रहा है तो जो करंट अगर एम को मालूम हो जाए तो इसका वन थर्ड तीन पार्ट में ये बढ़ जा रहा है पूरा का पूरा तो कैसे इसको हम सॉल्व करें सो दैट हमारा ये पॉइंट है आ जाए तो इस केस में देखना बात यह है कि इक्ोवाइलेंट रजिस्टेंस का वैल्यू होता है ना क्यूब का ये क्यूब का जो इक्ोवाइलेंट रजिस्टेंस की बात करते हैं कितना होता है स्टैंडर्ड डेटा है याद रखिएगा इस केस में डायगोनली अपोजिट के अबाउट जो होता है ना बॉडी डायगोनल का फाइव आर बाई सिक्स होता है तो फाइव हो गया आर का वैल्यू वन हो गया डिवाइडेड बाई सिक्स हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया फाइव बाई सिक्स हो जाएगा करंट आई जो यहाँ से बाहर निकल रहा है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इक्वालंट ई एम एफ डिवाइडेड बाई क्या होगा आर इक्वैलेंट होगा इक्वैलेंट ई एम एफ फाइव दिया है और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा फाइव बाई सिक्स हो जाएगा कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू सिक्स एम्पियर इसका वैल्यू हो जाएगा जब ये सिक्स एम्पियर हो गया तो करंट आई कितना होगा छ एम्पियर यहाँ से करंट जा रहा है यही तो तीन टुकड़ों में बट जा रहा है ना तो कितना हो जाएगा छः डिवाइडेड बटा तीन हो जाएगा कितना हो जाएगा दो एम्पियर हो जाएगा तो जो करंट हमें निकालना है उसका आंसर कितना हो जाएगा टू एम्पियर मतलब ऑप्शन नंबर टू भी दिया हुआ है टू का कितना हो जाएगा टू एम्पियर यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा ये एक पॉइंट है फैक्चुअली निकालने का तरीका अलग है इसको फिर कभी बताएंगे तीन तरह का होता है बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल एंड आपका एज के अक्रॉस होता है तो इसको रिजल्ट को दिमाग में रखना है अगला सवाल दिया है कि फोर आर्म्स ऑफ वीट स्टोन हैव है फॉलोइंग रेजिस्टेंस ए बी का कितना दिया है सिक्स ओम दिया है सिक्सटी ओम दिया हुआ है ये नहीं है कितना दिया है सिक्सटी ओम दिया हुआ है साथ ही साथ जब बात करेंगे अगला दूसरे वाले का बी का कितना दिया है ती वैल्यू हंड्रेड ओम दिया है सी का वैल्यू कितना दिया है सिक्सटी ओम दिया हुआ है और डी का वैल्यू ट्वेल्व ओम दिया है एलवेनोमीटर है जिसका फिफ्टीन ओम रजिस्टेंस है इज कनेक्टेड अक्रॉस बी डी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल रजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस सी डी कहा गया सी से डी सी से डी की बात करेंगे तो सी डी के अक्रॉस कितना एडिशनल रजिस्टेंस है ये कनेक्ट कर दिया जाए एक्स सो दैट डो बिट स्टरीज हो कैसा हो बैलेंस हो जाए तो चलिए ठीक है कर लिया जाएगा तो यहां लेफ्ट साइड में रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा यह वैल्यू हो जाएगा सिक्सटी बाई कितना हो जाएगा ट्वेल्व तो बारह से कर देंगे कितना हो जाएगा पांच और इधर साइड जैसे मान लो पूरे का पूरा जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है आर अगर रेजिस्टेंस है तो इधर रेशियो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका हंड्रेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर तो वीट स्टोम ब्रिज के प्रिंसिपल के तहत ये जो लेफ्ट में दिया वो कितना दिया है फाइव दिया है और इसको राइट वाले के बराबर होना पड़ेगा तो राइट right में कितना दिया है हंड्रेड दिया है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर हो जाएगा तब पाँच से कर देंगे तो ट्वेंटी हो जाएगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा ट्वेंटी ओम दिया है अब ये जो ट्वेंटी ओम बन रहा है कितना को मिला के बन रहा है ट्वेंटी ओम बन रहा है जिसमें एक दिया है कितना है सिक्सटी ओम दिया है और दूसरा ओम दूसरा जो रेजिस्टेंस दिया है इसके वैल्यू एक्स मान लो तो जो ट्वेंटी दिया है सिक्सटी और एक्स के पैरल में लगने से है तो सिक्सटी इंटू एक्स बाई कितना हो जाएगा सिक्सटी प्लस एक्स हो जाएगा तो बीस से करेंगे तो कितना होगा थ्री टाइम्स हो जाएगा ना तो 60 कितना हो जाएगा थ्री एक्स हो गया वैल्यू यहां पे तो वैल्यू लिखेंगे थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स बराबर हो गया सिक्सटी तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा थर्टी ओम हो जाएगा ना तो यहां पे जो कनेक्शन कर रहे हैं उसमें रजिस्टेंस अगर थर्टी ओम का जोड़ देते हैं तो आपका काम यह बन जाएगा बढ़िया तरीके से ठीक है आगे बढ़ते हैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया आपका मीटर ब्रिज का इन मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट थर्टी सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए कि इसका तो टोटल लेंथ कितना होता है हंड्रेड हो जाता है इफ़ नाउ अ रजिस्टेंस ऑफ टेन हम इज कनेक्टेड इन पैरल विथ एस जो पहले इस दिया देखो पहले केस में कितना हो जा रहा है पहले केस में हो जा रहा है ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है थर्टी सेंटीमीटर दिया है तो ये इधर से कितना हो जा रहा है सेवेंटी सेंटीमीटर ये इसका पहला केस है मतलब देखेंगे रेसियो तो एट्टी आर बाई कितना हो जाएगा थर्टी बराबर एस बाई कितना हो जाएगा सेवेंटी हो जाएगा ना तो वैल्यू लिखेंगे आर बाई थर्टी इज इक्व टू हाउ मच एस वाई सेवन ना हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ये पहला पॉइंट हो इसके बाद जो अगला पॉइंट दिया है वो क्या कहता है कि इफ नाउ वी कनेक्ट टेन ओम इज कनेक्टेड इन पैरल विथ एस दैन नल पॉइंट ऑकर एट सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर है तो एस का वैल्यू कितना होगा तो यहां से 65 हो जा रहा है दूसरे केस में ये हो जा रहा है कितना यहाँ से 65 सेंटीमीटर हो जा रहा है तो इधर से कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा तो अब दूसरे केस में रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा आर हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सिक्सटी और अब यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया कितना टेन ओम का रजिस्टेंस तो उसका कितना हो जाएगा को वैलून टेन इंटू एस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टेन प्लस एस और लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा थर्टी हो जाएगा ठीक है चलो तो ये पॉइंट हो गया हमारा तो पाँच से करेंगे तो तेरह हो जाएगा पाँच से करेंगे तो कितना हो जाएगा सात हो जाएगा वैल्यू तो देखेंगे आपका कितना आ जाएगा वैल्यू आर बाई थर्टीन हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टेन एस हो जाएगा और नीचे में देखोगे तो सेवन हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा टेन प्लस एस हो जाएगा ये हो गया पॉइंट अब क्या करना है यहाँ से आर का वैल्यू है ना पुट कर दो तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा इस जगह से आर का वैल्यू हो गया मेरा थ्री एस डिवाइडेड बाई सेवन तो वैल्यू पुट कर दिया थ्री एस डिवाइडेड बाई सेवन हो गया इंटू कितना हो गया थर्टीन हो गया एंड दिस इज टेन एस डिवाइडेड बाई सेवन इंटू कितना हो जाएगा टेन प्लस एस देखो धुआं धार कैंसिल होगा इससे ए कैंसिल हो जाएगा थ्री से कर देंगे तो थर्टी हो जाएगा प्लस में थ्री एस हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में कितना होगा थर्टीन हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा दिस तो थ्री एस इक्वल्स टू कितना होगा वन थर्टी हो जाएगा माइनस कितना हो, हो जाएगा थर्टी तो वैल्यू कितना आ जाएगा हंड्रेड तो इस जगह से देखोगे तो कितना हो जाएगा इसके वैल्यू हो जाएगा हंड्रेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा थ्री तो वैल्यू कितना हो जाएगा थर्टी थ्री पॉइंट कितना हो जाएगा थ्री ओम हो जाएगा इसके वैल्यू हो जाएगा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री ओम तो ऑप्शन नंबर थ्री जो दिया है इसमें मोस्ट अप्रोप्रेट नज़र आ रहा है यही इसका आंसर होता हुआ दिख रहा है अगला सवाल दिया है इसमें कह रहा है कि इन अ पोटेंशियल मीटर ऑफ एट वायर द बैलेंस पॉइंट इज ऑप्टेड ऑन द फिफ्थ वायर द शिफ्ट इन बैलेंस पॉइंट टू सिक्स वायर वी शुड छठे वायर पे इसको शिफ्ट करना है तो क्या करना है इसमें छठे वायर पे जब इसको बढ़ाना है आगे की तरफ करना है तो क्या करना पड़ेगा ध्यान से समझिएगा बात का इसको करना है हमको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट इसमें छठे वायर पे ले जाना है पहले के इसमें क्या हो रहा है एट वायर दिया है और जो बैलेंस पॉइंट है फिफ्थ पे दिया है और शिफ्ट करना है छः पे जैसे सिंपल सी बात देखो पहले दिए पूरा लाइन देख लो यहाँ पे इसमें शिफ्ट कर दिया इसको डिवाइड कर दिया बहुत सारे सेगमेंट में एक दो तीन चार पाँच पहले था पाँच पे अब ले जाना है कहाँ पे छः पे जाना है मतलब इतना लेंथ कवर होगा तो जिसके क्रॉस बैलेंस कर रहे हैं उसका पोटेंशियल तो सेम है ना तो ये इतना लेंथ में उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इतना लेंथ में पोटेंशियल दिया था तो ये कब पॉसिबल है जब इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो दिया है ना इसका वैल्यू क्या हो जाए डिक्रीज़ हो जाए पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे डिक्रीज हो जाए और ये कैसे डिक्रीज़ होगा ये डिक्रीज करने के लिए जो आर है ना आर का वैल्यू क्या करना पड़ता है इंक्रीज़ करना पड़ता है जो रेजिस्टेंस दिया है उसका वैल्यू इंक्रीज़ करना पड़ता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे करंट घट जाएगा करंट घटेगा तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ यह जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर वायर है ड्राइवर बैटरी दो फोल्ट का दिया हुआ है फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल ऑफ 1.5 सेल देखो सब यहां तक का डेटा का कोई मतलब नहीं इंटरनल रजिस्टेंस जैसे ही पूछ देना तो याद रखना है कि जो निकालना है बराबर लोड का रजिस्टेंस और ये जो लेंथ लेन बाई एल टू माइनस क्या कर देना है वन कर देना है ठीक है आर का वैल्यू हो जाता है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू एलवन बाई एल टू माइनस वन होता है इसका वैल्यू कितना दिया है देखो सेवन ओम दिया है लोड का और लेंथ का दो वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना कितना दिया है एक दिया है दो सौ पच्चीस और दूसरा कितना दिया है दो सौ दस दिया है ज़्यादा वाला माइनस कम ज़्यादा वाला को कम से डिवाइड करके माइनस वन कर देना आसान भाषा में ऐसे याद रख सकते हो तो वैल्यू कितना होगा दो सौ पच्चीस हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा दो सौ दस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दो सौ दस ना हो जाएगा तो सात से करेंगे तो कितना हो जाएगा टाइम्स हो जाएगा तो दो सौ पच्चीस में से दो सौ दस घटा तो कितना हो गया पंद्रह डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तीस पंद्रह से कितना होगा टू टाइम्स तो वैल्यू हो गया वन बाई टू और वन बाई टू का मतलब कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव ओम हो जाता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव ओम दैट इज ऑप्शन नंबर टू और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन बोला है कि पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द किटसपॉप्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट दो बातें पहले किटसॉप्स लॉ के बारे में पढ़ लीजिए एक पॉइंट क्या होता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट होता है जाने वाले के बराबर होता है और ये जो पहला लॉ होता है किस पे बेस्ड होता है तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है और वहीं पे दूसरा लॉ कहता है कि कोई भी अगर लूप कंसीडर करते हैं तो उस लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना होता है जीरो होता है और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है तो आउट गोइंग करंट एट सब एंड आर इक्वल टू तो द इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन ए पॉइंट कैसा दिया सही दिया और हमें ढूंढना क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पोजीशन डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पोजीशन डिपेंडेंट स्टार्टिंग विथ एनी पॉइंट इफ वी कम बैक टू द सेम पॉइंट टोटल पोटेंशियल चेंज मस्ट बी जीरो यस ये बात तो ये कहता है जंक्शन रूल इज बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं मेरे भाई जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है उस पर जंक्शन लॉ बेस्ड होता है तो ये तो गलत हो गया अब गलत ही ढूंढना था तो गलती ढूंढना था तो ऑप्शन नंबर तीन गलत लिखा है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा बेंडिंग एंड री ऑरिएटिंग द वायर डज नॉट चेंज द वैलिडिटी ऑफ लॉ बिल्कुल है वायर को ऐसे लपेट कर रख दो ऐसे रख दो ऐसे रख दो किसी तरह से जंक्शन बनाओ लॉ तो हमेशा ना चाहे इसको सीधा सीधा रखो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है तो ये हमारा पॉइंट था और इसी तरीके से हमने टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन इस टॉपिक पे कंप्लीट कर लिए उम्मीद करते हैं आपका पूरा पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया होगा ये कंटेंट आपको कैसा पसंद आता है डू लेट मी नो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस थिंग्स देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड बाय